नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं जुगाड़ न्यूज। और आज हमारे साथ मगध के स्टार कलाकार सौरभ शुभम जी हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं इनके बारे में। जुगाड़ न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और हमारे जुगाड़ न्यूज को जितने भी दर्शक हमारे देखने वाले भगवान की श्रोता है, सभी को दिल से प्रणाम और आशीर्वाद की प्रतीक्षा। जय जय श्री कृष्ण। सौरभ जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, कहाँ से आते हैं? हम बिलोंग तो एक छोटा सा गांव, मेरा शेखपुरा जिला में पड़ता है, मगध में दुल्लापुर गांव है, ऊंचा जिला है। और हम नवादा में ही रहते हैं और ऐसे मेरा प्रॉपर गांव है जो शेखपुरा जिला में एक छोटा सा गांव है दुल्लापुर, वहां से हम बिलोंग करते हैं। तो ये बताइए कि छोटे से गांव से आज पूरे मगध में राज कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? लगता तो बहुत अच्छा है और भाई का प्यार है और हमारे पब्लिक का प्यार है, मेरा टीम का मेहनत है जो कि इतना प्यार हमें मिलता है, आप लोग का आशीर्वाद है। आपका एक गाना काफ़ी बजा था आज से एक साल पहले, तो जवानी लगो पटना के राजधानी में, तो एक साल वहीं हुआ है, अभी से 5 महीने। कितन है के तू कहीं पानी पानी भी गे छोड़ी, और कितन है के तू कई पानी पानी के छोड़ी, कि तोर जवानी लगो पटनाधानी के छोड़ी, कि तोर जवानी लगो पटनाधानी के छोड़ी। इस गाने का जो बीच से, इस गाना जो था बीच अंतरा से वायरल हुआ था, चल रहा इसका था कि जानो हो तोरा के पूरा बिहार गे, मरो हो तोरा को नीतीश कुमार गे, यहाँ से गाना वायरल हुआ था इसी लाइन से। ये देखिए, इस गाने में आपने जो नीतीश कुमार का नाम लिया, अंबानी का नाम लिया, मतलब क्या मतलब आपको लग रहा था कि अगर हम इस टाइप का अगर नाम लेकर के उठते हैं तो मुझे पसंद मिल जाएगी? देखिए, ऐसा बात नहीं कि हम लोग हर चीज़ को मतलब पहले ही, जो गाना बजने का रहता है वो खुद बज जाता है पहले से, जिस पे हम लोग भरोसा करते हैं कि गाना बजेगा कभी नहीं बजता है, जिस पे नहीं विश्वास होता है वो गाना बज जाता है। नहीं, जैसे देखिए जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं या फिर मगध के कलाकार कह लें, वो सारे लोग जात पात पे आ रहे हैं, अहरान भगवान पे, लेकिन आपने एक नया मोड़ दे दिया कि आपने मुख्यमंत्री को छोड़ा, ना प्रधानमंत्री को छोड़ा, यहाँ तक कि जो बिजनेसमैन है हमारे इंडिया के टॉप लेवल के, आप उनको भी नहीं छोड़े। देखिए, हम लोग एक पब्लिक का इंटरटेनमेंट का साधन है और जिस चीज़ से हमारे पब्लिक को इंटरटेन हो जाए, मतलब पब्लिक खुश हो जाए, पब्लिक को, पब्लिक का मनोरंजन हो जाए, तो वो चीज़ हम लोग मार्केट में देते हैं बस। तो मतलब आप पब्लिक की बात करें तो कभी पब्लिक आपको मतलब बोला था कि हाँ आप नीतीश कुमार पे गाना गाइए, फिर अंबानी अडानी के नाम लेकर गाइए? सब ऐसा बात नहीं है, पब्लिक कभी बोला नहीं था कि इस चीज़ पे गाना गाइए, इस चीज़ पे गाना गाइए, मतलब हम लोग मतलब होता है ना कि मतलब कुछ ऐसा किया जाए कुछ ऐसा किया जाए, लेकिन देखिए हम लोग जब गाए थे उस टाइम नीतीश कुमार जो है वो एक राइटर है हमारे, उनका नाम था, लेकिन लोग उस तरह से ले लिए उस चीज़ को। इसमें राइटर जो है तो सुदामा जी है, लेकिन एक और है उसमें देखिएगा नीतीश कुमार जी भी है। तो फिर ये अंबानी का नाम कहाँ से आ गया? अंबानी हम लोग लिए थे। हाँ, तो ये अंबानी कहाँ से आ गया? बस उसमें तुक जो बैठाना था गाना में, इसमें तुक बैठाने के लिए किया जाएगा। नहीं, जैसे देखिए आप क्या है कि ठीक है, आप जैसा बोल रहे थे कि हम छोटे से गांव से आते हैं, तो हो सकता है कि आप इसी वजह से मतलब मीडिया से बच गए, नहीं तो जिस तरह से ये गाना वायरल हुआ था और लोग आवाज़ उठा रहे थे कि मुख्यमंत्री को भी ये लोग नहीं छोड़ा, और अंबानी अदानी का तो बात ही अलग है, और उनको लड़की की आप लोग बोले कि लड़की तोरा पे मर रहा। देखिए बात है सर कि हम तो आपको बता दिए, नीतीश कुमार एक राइटर है हमारे, उन्हीं का नाम लिया गया था और अंबानी जो नाम लिया गया था तो तुक बैठाने के लिए, उसमें तुक बैठाना था गाना, तुक भी होता है। नहीं तो आपको कभी नहीं लगा कि जैसे भोजपुरी में अश्लील पे जिस तरह से आवाज़ उठ रहा है, तो आपको कभी ये नहीं लगा था कि अगर हम ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं मेरी अगर वायरल हो जाएगा मेरे ऊपर तैयार भी हो सकता है? हाँ, हो तो सकता है जो बात है, लेकिन उस चीज़ को हम सोचते हैं, नीतीश कुमार जो बोले थे वो
सोचते हैं उस चीज को सोच कर नहीं बोले, मतलब आपको लग रहा था कि कुछ भी हो बस स्टार बनना है। ऐसा बात नहीं सर कि कुछ भी हो स्टार बनना, कुछ भी गा के तो नहीं बने, उसमें उस गाने में कुछ ऐसा चीज था नहीं, वो हर जगह गाना बजा है घर हो। और उसके बाद एक गाना और आपका बजा था छोड़ी ना वादा पूरा कर देबो वादा वहाँ खिलैबो गरम समोसा अगे वहाँ खिलैबो गरम समोसा टपा टप टपा टप टपा टप 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 अगे टपा टप टपा टप टपा टप टप टप। जो नवादा का समोसा फेमस है क्या? नहीं देखिए एक मतलब नवादा एक जो मगध में जिला है उस जिले का एक अलग लेवल है, अलग लेवल से जाना जाता है नवादा जिला, इसलिए गाने में अधिकतर गाने में मगध अधिकतर गाने में नवादा का नाम लिया जाता है। बिल्कुल नहीं, समोसे के साथ बात कर रहे थे, लोग जलेबी और ये सब चीज़ से थोड़ा सा ला टपकता है, आप समोसा से ला टपका रहे हैं। ऐसा देखिए बात है कि समोसा जलेबी हर कोई नहीं खाता, लेकिन समोसा हर कोई को अच्छा लगता है। सावन का सबसे बड़ा गाना भी रहा है नगर में, सबसे बड़ा गाना राजधानी रहा मगध में, और सावन में भी पूरा इंडस्ट्री मगध इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गाना मेरा ही रहा था कि सबसे ज्यादा व्यू कि हमारे पगल ही गए हमारे खाती भूखी है तू सोमारी कि जबले ना लगता हूँ हमारा जबले ना लगता हूँ हमारा आगे नौकरी सरकारी तो हमारा पगली गे हमारे खाती भूखी है तू सवारी। ये था जो कि बोलो उनका सबसे बड़ा गाना था मगध का। इस बार आपको ये जिस तरह से आपको अभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बड़े कलाकार हैं, चाहे वो पवन सिंह की बात कर लें या फिर खिसाड़ी की बात कर लें या फिर आपका गुंजन सिंह की बात कर लें, ये दो गाना आपने जो सुनाया मगध का लोकगीत में, दो गाना सुनाया आपने टपा टप और तो जवानी लगा पटना की राजधानी और अभी जो बोलबम चल रहा था, तो इस तीन गाने के अंतराल में दूसरा किसी सिंगर का गाना नहीं बजा खास करके मगध में। देखिए तो आपको नहीं लग रहा कि आपको एक मतलब उन लोगों के आँख में गढ़ने का कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग एक मगध का सिंगर हैं और हमारे खिसारे में कौन भी है, एक अलग चीज़ है, अलग लेवल का चीज़ है, वो लोग नहीं कर रहे हैं। रोशन रोहित जी का काफ़ी वायरल हो रहा है, वो कहीं गए हुए थे, उसमें मारपीट का ये चल रहा था सीन था। हाँ तो हम वीडियो देखे थे हम भी, और ये हमारे कलाकार के साथ जो ये सब चीज़ होता है बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी मान लीजिए हम लोग का मान लीजिए कि जो भी मान लीजिए आपसे हमें लड़ाई है चाहे हमें उनसे लड़ाई है, तो उस लड़ाई को हम पब्लिकली क्यों लड़े पब्लिक। और रोशन रोही जो है हमारे भाई हैं, मान लीजिए कि वो सिंगर हैं, तो मान लीजिए ठीक लड़ाई हुआ तो उस लड़ाई को वीडियो बना के वायरल करना कहाँ तक सही, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से नवादा में छत्र वो राज कर रहे हैं रोशन रोही जी, तो कुछ लोग जल रहे हैं कि इतना आगे कैसे बंदा बढ़ गया उसको नीचे गिराओ? देखिए जलने वाले तो जलते ही हैं, लेकिन वही बात ना कि अगर जल रहे हैं तभी तो रह सकते हैं, आते ही जो भी हो जल रहे थे इसलिए क्या, या फिर रोशन भाई का या फिर जो भी उनके साथ लड़ाई की उनका आपसी विवाद हो भगवान जाने, बट जो भी हुआ है उस चीज़ को वीडियो नहीं करना चाहिए और वायरल नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो किए थे तो वायरल नहीं करना चाहिए था उनको जो भी किए। तो आपको क्या लगता है मतलब इस तरह से जैसे रोशन रोहित जी के साथ हुआ और भी कलाकार हैं, अगर वही हम कर आने वाले टाइम में अगर इस तरह से होता है तो ऐसा ये भी सुनने में आ रहा है कि वो मतलब प्रोग्राम की वजह से ये वीडियो बना है, मतलब मारपीट हुआ है? देखिए वो तो हमको नहीं पता है कि कहाँ क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन वीडियो में आया था किस कारण से हुआ ये भी पता नहीं था, मेरे पास वीडियो आया था कहीं से आया था वीडियो हम देखे तो बहुत बुरा लगा वीडियो देखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी कलाकार आज रोशन भाई के साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, तो अच्छा तो मतलब जिस तरह से ये चीज़ हो रहा है
आप लोग के साथ, तो आप लोग को ये नहीं लगता कि पुलिस कंप्लेंट किया जाए या फिर कुछ और उस तरह का, ताकि प्रशासन से सपोर्ट मिल सके? वो रोशन भाई जानते हो किए थे या फिर नहीं किए थे? कौन कौन से कंपनी से गाना आने वाला है? गाना लेटेस्ट में इधर गाना आने वाला है अनिका एंटरटेनमेंट हो गया, बेद इंटरटेनमेंट हो गया, बेद शक्ति इंटरटेनमेंट हो गया, DNS म्यूजिक हो गया, सहाय इंटरटेनमेंट हो गया, और बहुत सारे, और बेव का भी गाना हम लोग किए, TF का भी किए हैं, और बहुत सारे कंपनी जो भोजपुरी के बड़ी बड़ी कंपनी उन लोग का भी गाना हम लोग किए हैं, सब लोग गाना। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक अलग पहचान बनाई है अपना, और आप लोग मगध में लगभग 10 से 12 ऐसे कलाकार हैं हाँ। जो कि उस लेवल के हैं, चाहे वो पवन सिंह की बात कर लें या फिर खेसारी की बात कर लें, मतलब जितना गाना उनका बजता है भोजपुरी में उतना गाना आप लोग का भी बजता है। तो ये बताइए कि कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि हाँ जैसे भोजपुरी को हम लोगों ने इतना बढ़ाया तो मगध को भी बढ़ाया, ताकि यहाँ भी लोग मूवी बनाए या फिर इस तरह का कुछ करें? मूवी बनाने के लिए सर उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी चाहिए। तो गाने में मान लीजिए हम लोग का गाने में 50,000-60,000 में एक गाना हो जाता है, मान लीजिए अपना आदमी तो 40,000 में हो जाता है गाना, का बाद लगे कि 50,000 में निकल जाता है गाना। अब फिल्म करने में कम से कम कितना भी कम करेगा आदमी तो कम से बहुत खर्चा पड़ेगा, कम से कम 30-35-40 तक कितना भी कम लेवल का कर ले तो उससे कम तो नहीं पड़ेगा। नहीं तो ठीक है, आप जो 50-60 की जो बात कर रहे थे अभी, तो आप केवल एक कंपनी की बात कर रहे थे, जैसे सपोज अगर आप यहाँ पे किसी कंपनी के आदमी बैठे हुए हैं तो आप केवल एक आदमी की बात कर रहे थे। मगध में लगभग कम से कम तो 10 से 12 स्टूडियो जो कि फेमस में है अभी, तो बहुत है। तो अगर वो लोग मिल करके जिस तरह से आप लोग को बढ़ावा दिए हैं, आप लोग भी उन लोगों को काफी सपोर्ट किया है, तो अगर ये लोग एक साथ आकर के अगर काम करें। देखिए इस चीज़ पे हम लोग का बात हो रहा है, क्या होता है करो होगा उसका तो फिर नहीं, क्योंकि जैसे कि जिस तरह से मगध में लोग मगध गाने को लोग पसंद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर मूवी आएगा ठीक है बड़े लेवल पे रिलीज नहीं होगा, लेकिन छोटे लेवल पे यूट्यूब पे तो रिलीज हो ही सकता है। यूट्यूब पे और मगध का हॉल में भी लगेगा, क्या कि मान लीजिए जब भोजपुरी सिनेमा लगता है तो हम लोग का बनेगा तो नहीं लगेगा, वहाँ भी लगेगा और दर्शक वहाँ भी जाएंगे, जब गाने सुनते हैं तो फिर उसमें भी देखेंगे। तो बस किन्हीं को इन्वेस्टमेंट करना होगा, आगे आना होगा किसी आगे किन्हीं को ये हो तो आगे आना होगा, तो एक आदमी आगे आएंगे इस काम को करने के लिए। जब भोजपुरी स्टार्ट हुआ होगा अब कब हुआ है ये तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन जब हुआ होगा फिल्म स्टार्ट तो कोई तो एक तो आगे आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, फिर आए होंगे कोई आगे, अब इसमें भी जो आएंगे होगा। तो आप लोग इतने कंपनी से मिल रहे हैं तो कभी बात विचार करके देखिए, मीटिंग करके रखिए कि हाँ मतलब क्या मीटिंग हुआ है इस बात पे, बात मीटिंग हुई कंपनी से, देखिए कब तक होता है। तो जाते जाते श्रोता को क्या कहना चाहेंगे? बस वही प्रशासन के बाद प्यार बनाए रखिए अपना, और अपने भाई को इसी तरह सपोर्ट कीजिए, और एल्बम तो हमारे मगध में चल ही रहा है, अब बस आप लोग ऐसा प्यार बनाइए, ऐसा प्यार दीजिए सभी सिंगर को, हमें नहीं मगध में जितना भी हमारे स्टार कास्ट है, जितना भी सिंगर बज रहे हैं, और सभी लोग को आप उस तरह उस लेवल का प्यार दीजिए कि हमारे मगध में ही फिल्म बने, और मगध में ही मगध का भी बहुत अच्छा नाम। जय हो, जय श्री कृष्ण।